सिविल सेवा परीक्षा में हर साल देश के लाखों युवा शामिल होते हैं। बहुत से उम्मीदवार तैयारी के लिए बड़े शहरों में जाते हैं, जहां अच्छे कोचिंग संस्थान तथा अन्य बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। परंतु ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो बड़े शहरों में तैयारी हेतु जाने में असमर्थ हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि ग्रामीण उम्मीदवार आईएएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देश में सूचना क्रांति होने के बाद आज ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में भी इंटरनेट की क्षमता हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को इंटरनेट का बेहतर प्रयोग करना चाहिए। इस तकनीक द्वारा उम्मीदवार समसामयिकी देश और विदेश की घटनाओं की नवीनतम जानकारी से लाभान्वित हो सकता है। साथ ही आजकल वेबसाइट पर आईएएस के लिए बहुत ही कम फीस में ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल का प्रयोग आज बहुत से उम्मीदवार करते हैं। मोबाइल पर इंटरनेट की सुविधा भी बहुत कम मूल्य में उपलब्ध है। तो दोस्तों, इस तकनीक का प्रयोग भी उम्मीदवार समाचार पढ़ने, आवश्यक सूचना की जानकारी आदि के लिए कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवार अपने आसपास के क्षेत्रों में स्थित कॉलेज के पुस्तकालय का बेहतर प्रयोग भी कर सकते हैं। आमतौर पर पुस्तकालय में पढ़ने का अच्छा माहौल होता है, जहां उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा के प्रति को देखते हुए गंभीर अध्ययन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपनी जानकारी और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए रेडियो पर बीबीसी के समाचार, रेडियो समाचार कार्यक्रम अवश्य सुनने चाहिए। यह बहुत ही सस्ते और आसानी से उपलब्ध होने वाले संसाधन है। सिविल सेवा परीक्षा में समसामयिकी आधारित प्रश्नों की संख्या को देखते हुए रोज अखबार का अध्ययन करना चाहिए। अगर अखबार आसानी से उपलब्ध नहीं है तो अखबारों के ऑनलाइन संस्करण को पढ़ा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम का अवलोकन करना चाहिए, उसके बाद विश्वसनीय अध्ययन सामग्री से अध्ययन करना चाहिए। उम्मीदवार यदि ऑनलाइन कोचिंग करने में असमर्थ है तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों को पत्राचार पाठ्यक्रम का लाभ उठाना चाहिए। इसके द्वारा पूरे भारत में हजारों उम्मीदवार लाभान्वित हो चुके हैं। तैयारी के दौरान शामिल उम्मीदवारों को मार्गदर्शन संबंधी समस्या सबसे ज्यादा उचित होती है। उचित मार्गदर्शन के अभाव में सही तैयारी भी नहीं हो पाती और समय व ऊर्जा दोनों की बर्बादी भी होती है। परीक्षा हेतु मार्गदर्शन के लिए उम्मीदवारों को अपने किसी सीनियर से संपर्क में रहना चाहिए। इसके साथ ही किसी कोचिंग संस्थान से संपर्क में रहना बेहतर होगा। यहाँ पर मैं आपको यह सलाह अवश्य देना चाहूंगी कि उम्मीदवारों को अध्ययन की शुरुआत कठिन किताबों के स्थान पर एनसीईआरटी किताबों से करनी चाहिए। जैसे किसी भी विषय की पढ़ाई की शुरुआत एनसीईआरटी या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की किताबों से करनी चाहिए। अभिष्ट वस्तु या अभिष्ट विषय से संबंधित आधार समझ विकसित करने के बाद संबंधित विषय की विश्वसनीय किताबों का अध्ययन करना चाहिए। यह रणनीति परीक्षा के लिए सहायक होगी। साथ ही दोस्तों, ग्रामीण पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को कभी भी स्वयं को किसी अन्य प्रतियोगी से कम नहीं आंकना चाहिए तथा हीन भावना से बचना चाहिए। अपने आत्मविश्वास और गंभीर अध्ययन के बल पर ग्रामीण पृष्ठभूमि के उम्मीदवार भी इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। आप में से भी कई ऐसे उम्मीदवार होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे। आप कौन से ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप अपने क्षेत्र के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानना चाहते हैं जो आपको बहुत ही कम फीस में आईएएस की बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप उन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप उन्हें अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क
करके आप उसे मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।